और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी खबरें जारी है। हम आपको बताएंगे कि आज के बाजार का मूड माहौल क्या है, खबरें कौन कौन सी हैं और उसका इम्पैक्ट होगा क्या। और आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ेगा। पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जतिन त्रिवेदी एलकेपी सिक्योरिटीज के, मनोज जैन हैं पृथ्वी फिनमार्ट के, सुरेंद्र मेहता हैं सेक्रेटरी हैं इब्जा के, और साथ ही बिमल कोठारी हैं चेयरमैन हैं इंडियन पल्सेस एंड ग्रेन एसोसिएशन के। आप सभी का बहुत स्वागत है। आप जरा बताएं जतिन जी, आज के लिए सिल्वर में क्या करें सर, चांदी में कोई ट्रेड आपको दिख रहा है? जी, देखिए इंट्राडे के हिसाब से देखे जाएंगे तो सिल्वर के अंदर भी बाइंग का रुझान जो है वो कंटिन्यू रहना चाहिए, क्योंकि बेस मेटल थोड़े से रेंज बाउंड है और थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन सिल्वर पे जो इम्पैक्ट है वो गोल्ड के असर के हिसाब से पॉजिटिव लग रहा है। शाम के सत्र में कोर रिटेल से जो रिटेल सेल्स के डेटा आने वाले हैं उसके पहले जो है पोजिशन भी है स्क्वायर अप करनी है, क्योंकि इंट्राडे पर्पज से कॉल है। 92,700 के आसपास जो है सिल्वर बाय करके चल सकते हैं, 92,400 के नीचे स्टॉप लॉस रखना है स्ट्रिक्टली, और हायर साइड में 93,200 ये लक्ष्य के हिसाब से बाइंग करके चलना है सिल्वर के। ओके, तो ये राय आपकी हो गई चांदी पर कि चांदी में आपको क्या करना है। नेचुरल गैस पर कोई व्यू आपका जतिन जी आज के लिए? वीकनेस के अंदर कंटिन्यूड है ये काउंटर, लेकिन ओवरसोल्ड टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है, सो इंट्राडे पर्पस से थोड़ा सा रिस्क बन जाता है सेल करने का, इसलिए हायर लेवल्स पे सेल करने की एडवाइस रहेगी। वो लेवल्स आते हैं तभी सेल करना है, 185 के आसपास, 188 के ऊपर उसका स्टॉप लॉस रखना है और 179 से 188 के टारगेट्स के लिए। ओके, लेड के अलावा कोई पीक आपके पास जतिन जी आज के लिए? मिथुन जी देखिए, इंट्राडे पर्पस से तो कॉपर के अंदर ट्रेंड रहता है और बहुत ज्यादा बड़ी रेंज तो नहीं देख रहा मैं, क्योंकि आज शाम को कोर रिटेल सेल्स की डेटा है तो इवनिंग तक तो रेंज बाउंड ही रहेगा, लेकिन इवनिंग सेशन में डेटा आने के बाद थोड़ा सा प्राइसेस में स्पॉट आ सकता है, तो मैं ही मान के चल रहा हूँ कि यहाँ से बाइंग जो है वो इनिशिएट करनी चाहिए। जब तक प्राइसेस 845 के ऊपर है तब तक मेरा आउटलुक थोड़ा सा पॉजिटिव बना हुआ है। कल के दिन जो वीक वाली आई है उसके बाद ये अपॉर्चुनिटी फिर से लॉन्ग करने की बन गई है। हाई साइड में मुझे लग रहा है 865 से लेके 863 ये लक्ष्य जो है कहीं ना कहीं आ सकते हैं एक से दो दिनों के अंदर। ठीक है, इंट्राडे पर्पस से बाइंग का मुझे लग रहा है, स्टॉप लॉस जो मैंने बताया वो मेंटेन करके चलो। ओके, ये बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका, और शुक्रिया जतिन जी आपका भी जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कहां पर ट्रेड के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद देखिए कॉर्पोरेट रडार।